नमस्कार, मैं अनुष्का, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आप में से कईयों ने शिक्षा क्षेत्र से जुड़े दो शब्द कई बार सुने होंगे। ये शब्द हैं TET और STET। सुना भी क्यों ना होगा आपने, क्योंकि कई सारे प्रदर्शनों और आंदोलनों में आए दिन इन दोनों शब्दों का जिक्र हो रहा है। बेसिकली सभी जानते हैं कि TET और STET ये दोनों ही एक तरह की परीक्षा होती है, जिसे पास करने के बाद सरकारी स्कूल के शिक्षक बनने के लिए आपके पास एक योग्यता आ जाती है। लेकिन आप में से अब भी बहुत से लोगों के मन में ये सारे सवाल दौड़ते होंगे कि ये TET और STET किस तरह से शिक्षक बनने के लिए जरूरी है, क्या ये दोनों एक है या फिर अलग अलग। यह भी सोचते होंगे कि दोनों में से कौन कितना जरूरी है, इसे कैसे पास किया जाता है और इसके क्या क्या लाभ है। बहुत सारे सवाल इसे लेकर मन में उठते रहते हैं। तो चलिए, अगर आप भी बिहार में सरकारी स्कूल के शिक्षक बनने के लिए इच्छुक हैं, तो यह वीडियो आपके काम आने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बिहार टेट और बिहार STET के बारे में बताएंगे और आपके सारे शंकाओं को दूर कर देंगे। तो चलिए अंत तक देखें इस वीडियो को। सबसे पहले हम आपको बता दें कि TET और STET दोनों एक तरह की शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है, यानी कि ये दोनों ही ऐसी परीक्षा है जिसे पास करने पर सरकारी स्कूल में शिक्षक बनते हैं। हालांकि सरकारी स्कूल में शिक्षक बनने के लिए और भी योग्यताएं मांगी जाती है, जैसे कि 12वीं पास होना, विषय के अनुसार ग्रेजुएट होना और मास्टर्स होना, और इन सब के साथ BEd की डिग्री होना। लेकिन इन सब अर्हताओं में एक बात यह भी शामिल है कि अभ्यर्थी को बिहार बोर्ड द्वारा कराए जाने वाले TET या फिर STET पास होना जरूरी है। और अब दूसरी जरूरी बात, हम आपको बता दें कि TET और STET परीक्षा दोनों ही अलग अलग है, यानी इन दोनों को पास करने से शिक्षक तो जरूर बनते हैं, लेकिन अलग अलग कक्षाओं के लिए बनते हैं। तो चलिए एक एक करके दोनों के बारे में हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे TET या बिहार TET के बारे में। TET का मतलब होता है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, हिंदी में कहें तो शिक्षक पात्रता परीक्षा। यह परीक्षा भारत के सरकारी स्कूलों में टीचर बनने के लिए जरूरी है। यह हर राज्य के लिए अलग अलग होता है, जैसे उत्तर प्रदेश में UP TET, वैसे ही बिहार में यह बिहार टेट के नाम से जाना जाता है। इस टेस्ट को पास करने वाले अभ्यर्थी सरकारी स्कूल में क्लास 1 से 8वीं तक के टीचर बन सकते हैं। इस परीक्षा को BSEB यानी कि बिहार बोर्ड आयोजित करवाती है। इस टेस्ट में दो पेपर होते हैं, चाहे तो दोनों में से कोई भी पेपर दिया जा सकता है। पेपर 1 क्लास 1 से 5वीं तक के शिक्षक बनने के लिए होती है, जबकि पेपर 2 में पास होने से क्लास 6 से क्लास 8 तक के लिए टीचर बन सकते हैं। इसके अलावे TET देने के लिए कुछ जरूरी योग्यताएं भी मांगी जाती है, जैसे कि क्लास 1 से 5 के लिए 12वीं पास, 2 साल का DLED और तय उम्र सीमा का होने पर ही यह टेस्ट दे सकते हैं, जबकि क्लास 6 से 8 यानी कि पेपर 2 के लिए ग्रेजुएशन और BEd के साथ ही तय उम्र सीमा वाले ही TET दे सकते हैं। अब हम बात करेंगे बिहार STET के बारे में, जिसका मतलब होता है सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा। इस टेस्ट को देने वाले अभ्यर्थी बिहार के सरकारी स्कूलों में क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के शिक्षक बनते हैं। इसमें भी दो पेपर होते हैं, पेपर 1 क्लास 9th और 10th के लिए होता है, वहीं पेपर 2 11वीं और 12वीं कक्षा के टीचर बनने के लिए देना पड़ता है। STET के पेपर देने के लिए जरूरी योग्यताएं भी मांगी जाती है, जिसमें पेपर 1 यानी कि 9th 10th के लिए जिस विषय का टीचर बनना है उससे संबंधित किन्हीं दो विषयों में ग्रेजुएशन पास होने के साथ ही BEd की डिग्री होना जरूरी है। वहीं पेपर 2 11th और 12th के लिए संबंधित विषय से PG और BEd का होना जरूरी है। योग्यता पूरी होने पर ही अभ्यर्थी यह टेस्ट दे सकते हैं। तो यह थी TET और STET के बारे में जरूरी जानकारी। आगे आप बिहारी न्यूज के साथ बने रहे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।